नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह अगस्त माह का चौथा सप्ताह 19 तारीख से लेकर 25 तारीख, 19 से लेकर 25 तक। डेट टू डेट रही है अपडेट चंद्रदेव के नक्षत्र गोचर के अनुसार। हम बात कर रहे हैं युग्म राशि, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा जाएगा, कहाँ पे रखनी होगी सावधानी, कहाँ से होगा लाभ। तो चलिए, पहले आपको रक्षाबंधन पर्व की मंगलमय शुभकामना। नारायण आपकी रक्षा करें, आप अपने परिवार की रक्षा करें। एक मित्रों से, सभी मित्रों से सहयोग बनाए रखिएगा। कलयुग में संग में ही शक्ति है, इसलिए संग में रहिएगा। अपने धर्म के प्रति बिल्कुल एकनिष्ठ रहिएगा, जाति पात में मत बटिएगा। एक पॉइंट मेरा याद रखिएगा, गर्दन से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। ज्योतिष, जीवन जीने की विधा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्टार्टिंग अच्छा है, अच्छा सुनने को मिल रहा है। उसके बाद धन का नक्षत्र आ रहा है भाई, धनिष्ठा नक्षत्र। आपके लाभ के स्वामी हैं मंगल महाराज, खष्टेश भी हैं। थोड़ा संघर्ष तो रहेगा। मैं बोलूँ सब कुछ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा नहीं है। दोपहर के बाद, कब के बाद, लगभग 2 बजे के बाद सब कुछ अच्छा है। यह सप्ताह वास्तव में आपके लिए भाग्य का सप्ताह है। यह सप्ताह वास्तव में आपके कर्म में वृद्धि का सप्ताह है। इस सप्ताह आपका भाग्य सपोर्ट करेगा और कर्म पथ पे आप बेहतर करेंगे। इस दिन आपके जो बहन बेटी आती हैं, बुआ आती हैं, जो लोग भी घर में आते हैं, उनका स्वागत करिएगा हृदय से। ये लोग 1500 की गिफ्ट लेने नहीं आते, अपितु ढेर सारा आपको आशीर्वाद देने आते हैं। अपने जो भी त्यौहार है, उन त्यौहारों को निष्ठा के साथ मनाइए। बहुत गहरा राज छुपा हुआ है, हम उस पर नहीं जाएंगे, नहीं वीडियो अन्यत्र चला जाएगा। 20 तारीख को दिन देखें, डेफिनेटली आप जादूगर हैं। आप जादूगर हैं। जादूगर मतलब क्या है? वो बजाएंगे, झुंझुना बजाएंगे? नहीं, जादूगर का मतलब है कि आप जो करना चाहेंगे वो कर ले जाएंगे। आपकी बातों में वो जादू होगा, आपके बात करने का, काम करने का तरीका इतना बढ़िया होगा कि काम आपका होगा ही होगा। डेफिनेटली राहु को खराब यदि आपने नहीं किया है तो यह दिन श्रेष्ठ जाएगा आपके लिए। आपके बर्थ चार्ट पे राहु को कभी भी नहीं खराब करना। और लोग राहु से डरें, डरने दीजिए, आप डरने की आपको जरूरत नहीं है। राहु आपके लिए श्रेष्ठ फल देने वाला है। तो दूर तक देखने की क्षमता है, कहीं ना कहीं धर्म स्थान पर भी हो सकता है आप घूमने जाइए। धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा करिएगा, अच्छा रहेगा। 21 तारीख का थोड़ा सा दबाव रहेगा स्टार्टिंग में, बाद में ठीक हो जाएगा। शनि और चंद्रमा की युति हो रही है, जिसको बोलते हैं विष दोष। तो कभी कभी क्या होता है, धर्म स्थान पे काम करते हुए धक्का लग जाता है, अच्छा काम करते हुए हाथ जल जाता है, थोड़ा सा दबाव बन सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं बनेगा। आप जब जा रहे हैं तो अपने सामान को थोड़ा सा केयर करके चलिए, क्योंकि हर जगह यत्र तत् सर्वत्र पाकेट मार हर जगह बैठे हैं भाई, क्या करोगे? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 22 तारीख को उत्तर भाद्रपद राहु के साथ रहेंगे। राहु ग्रहण योग बनाता है। किस्मत किसके लिए ग्रहण योग बनाएगा? यदि आपकी वाणी खराब हुई तो ग्रहण योग बनाएगा, नहीं तो यहाँ पे राहु चंद्रमा आपके लिए लाभकारी हैं। आपकी दृष्टि अपार होगी, आप देख सकते हैं, थोड़ा धर्म से विमुख हो सकते हैं। किससे विमुख हो सकते हैं? धर्म से विमुख हो सकते हैं, लेकिन वर्क प्लेस पर आप अच्छा करेंगे, सीनियर से पंगा नहीं करिएगा। कुछ चमचे टाइप लोग आपको परेशान कर सकते हैं, राहु टाइप लोग, ठीक है, तो इनसे सावधानी पूर्वक चलेगा। इग्नोर आय नमः, ओम घनघोर इग्नोर आय नमः, बस तनाव नहीं लेना है। 23rd श्रेष्ठ दिन है, लिख लीजिए। कोई काम करवाना है इस दिन करवा लीजिएगा। 23rd को जो काम आप करवाना चाहते हैं, अब जो काम किया, प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना बन जाओगे। एक दिन का गोचरी स्थित है, इस दिन बेहतर है कि मतलब आप ऑफिस में अपने किसी फाइल पर किसी सीनियर अधिकारी से सिग्नेचर चाहते हैं, हफ्तों से नहीं हो रहा, तो इस दिन को ट्राई करिए, हो जाएगा। किसी से मीटिंग करना चाहते हैं, मीटिंग नहीं हो पा रही, इस दिन ट्राई करिए, मीटिंग हो जाएगी। बस ऐसे ही समझिएगा। ज्योतिष भाग्य संवारने का विषय है, जीवन को सही दिशा देने का विषय है। हमें पता हो कि आज हमारा सीनियर सही से बात करेगा तो हम बात कर लेंगे। पता है आज घर से झगड़ा करके आया है, बेबी का गुस्सा हमारे ऊपर निकालेगा, इग्नोर आय नमः, ठीक है ना। 24 गति का दिन है। क्या है? गति का दिन है, लाभ का दिन है भाई। यत्र तत्र सर्वत्र लाभ होगा आपको। 24 तारीख का लाभ का दिन है, क्योंकि लाभ के घर में आपके चंद्रदेव चल भी रहे हैं,
लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा, तो यत्र तत्र सर्वत्र लाभ मिलेगा, पिता पिता तुल्य लोग, बड़े भाई, सरकार, मतलब जो भी इनसे एक दिन में आप लाभ ले सकते हैं लाभ मिलेगा। श्रेष्ठ लाभ मिले इसके लिए क्या करेगा, प्रातः काल ही पितरों का स्मरण करके जाइएगा, जब भी आप उठिए ब्रश वश कर लीजिए। ठीक है, जीवन भाग भागम भाग जीवन में 2 मिनट तो निकालना पड़ेगा मित्र, 2 मिनट निकालिए। जैसे परमात्मा के फोटो पे थोड़ा धूप दीप करते हैं, वैसे पितरों के फोटो पे श्रद्धा के साथ धूप दीप करिए, एक दीपक जला दीजिए, जाइए, काम अच्छा होगा। 25 प्रेम का नक्षत्र है, भरण पोषण का नक्षत्र है, इंद्रिय जनित सुख का नक्षत्र है, सुख तो मिलेगा। दोपहर के बाद थोड़ा सा आपके अंदर गति ज़्यादा होगी, तो स्पीड के साथ आप काम करेंगे, वाणी में तेज होगा और सत्य मत ज़्यादा बोलिएगा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। इसके बाद अगले सप्ताह भगवान योगेश्वर कृष्ण का जन्मोत्सव आ रहा है, जरूर मनाइएगा, लोगों को बताइएगा श्याम चूड़ी बेचने नहीं आया। ठीक है, आजकल हम श्याम को चूड़ी बेचवा रहे हैं गली गली लेके, नहीं, श्याम युग परिवर्तन करने आए थे, श्याम ये बताने आए थे कि नहीं मैं हूं। 2.5-3 साल का बच्चा बड़े बड़े राक्षसों को मार देता है, कालिया नाग के फन पे नृत्य कर देता है, 5-6 साल का बच्चा छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लेता है, 18 छोड़ी मध्य सेना के बीच में गीता जैसा ग्रंथ प्रदान करते हैं, ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। जरूर अपने संतान को बताइएगा, पर्व अवश्य मनाइएगा। आपके लिए मंगलमय शुभकामना, राधे राधे।